ने उजाड़ा था, अंग्रेजों ने से निषाद लड़े थे पूरे देश के निषादों के हितों के लिए। कांग्रेस ने पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया था, मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया। आज के दिन में जब हमारे लिए मोदी खड़े हैं, हमारे लिए योगी जी खड़े हैं, तो हम हर जगह पूरे देश में मछुआरे आज मोदी के साथ। तो सवाल हो रहा है, राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और देश के बाहर से घेर रहे हैं। अब देखो ना, किसके किसके साथ, भारत विरोधी व्यक्ति के साथ, भाजपा विरोधी व्यक्ति के साथ खड़े होकर फोटो खींचे। तो इसी तरीके से आप देखो, कुछ दिन बाद आतंकवादियों के साथ भी खड़े रहे हैं, आज के दिन इसी तरीके से रहा। तो मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस, सपा जो है, बसपा, ये पार्टियां इस जो निचले पावदान पर गरीब रहे उनकी विरोधी रही है। इसलिए विरोधी रही है कि आप देखो कि आज के दिन में अगर इन लोगों ने काम ही किया होता 67 साल थे, तो आज के दिन में इतने गरीब, इतने बेचार लाकार कैसे रहते। अब उसको अर्थव्यवस्था चौपट था, आज के दिन में उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था चौपट थी, देश की अर्थव्यवस्था आज के दिन में 5वें नंबर पर आ गया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2रे नंबर पर। इसका ना व्यवस्था सही करने के लिए ही राजनीति होती है, तो ये लोग चौपट करने वाले हैं और चौपट करने वाले लोगों को कोई आज के राहुल गांधी के बयान पर कोई भी अमल नहीं करता। देखिए, जो थाई मागुर होते हैं वो अपने आप बड़े मागुर हो जाते हैं, उनका चेहरा बड़ा होता है, मुंह बड़ा होता है, मूंछें होती है, वो देख कर ही पता चल जाता है। लोकल जो देसी मागुर होते, पतले होते, छोटे होते हैं, और वो बड़े बड़े नहीं, तो अभी उसके लिए प्रतिबंध के आदेश दे दिए और हमारे शासनादेश है, इसीलिए DMSP और संबंधित अधिकारियों को उसको निर्देश दे दिया गया कि वो न पालन होगा न बिक्री होगा और जहाँ है उसके नष्टीकरण होगा। से सपा की उल्टी गिनती शुरू है, वो हर बार सरकार बनाते हैं, 2014 बनाए, 2017 बना रहे हैं, 2019 बना रहे हैं, 2022 बना रहे हैं, इसके मतलब जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। तो इसलिए जो कह रहे हैं तो सरकार बननी नहीं है, तो जो भी कुछ कहें, आज के दिन में माफियाओं के लिए वादा किया गया था माफिया मुक्त होगा, जीरो टॉलरेंस होगा, गरीब के कब्जा होगा, सरकारी जमीन पर कब्जा माफिया होगा, तो उसको निश्चित रूप से खाली कराया जाएगा, ये भारत सरकार का कानून कहता है। और 2014 से लगातार जवाब दे रही है इसी के लिए कि आप तुष्टिकरण नीति पर हो और एक वर्ग को खुश करने के लिए माफियाओं को अपने साथ रखते हो, अगर मर गया तो उसे फातिया पढ़ते हैं जाकर और उनके साथ खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से उसका जवाब 2027 में देना है। और अभी मैं 10 सीट पर चुनाव होने हैं, 10 सीट के लिए प्रभारी हम लोगों ने नियुक्त कर दिया और सभी निषाद पार्टी, अपना दल राजभर सुहेल देव है और भारतीय जनता पार्टी मिलकर RLD भी है कि NDA का कोई भी जो प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे और लोकल प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी, सभी पार्टियों का पसंद प्रत्याशी तय किया जाएगा, एक समय आएगा और कार्रवाई हम लोग जड़ पर संगठनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से कार्रवाई शुरू कर दिया और उस पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कल मैंने गाजियाबाद में भी बैठक की थी। और जाति के लोगों को भी जो है हुआ था उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई, जाति विशेष की बात ये करते हैं। और अगर काउंटर इनकाउंटर की देखा जा लिस्ट तो 6वें नंबर पर यादव है, बाकी और जातियों की संख्या उसमें ज्यादा है, तब क्यों नहीं बोले, इसके मतलब जाति की राजनीति करते हैं। दूसरा जो जिसकी बात करते हैं, आज के दिन में माफियाओं की कोई जाति नहीं होती है, माफिया की जाति नहीं होती है, यह मतलब लोकतंत्र में यह इसका उनका साथ खड़ा होना ही, जो उस अपराधी का जो मुकदमा दर्ज है उनकी सरकार में दर्ज है, अगर अपराधी नहीं था तो मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। दूसरा, दुकान पर अगर गोली चलाता उस जो डकैती हुई है तो उसमें कितने जाति के लोग दुकान पर रहे होंगे मारे जाते, तो है। 2015 में 7 जून 2015 में गोरखपुर रेल आंदोलन हो रहा था, डॉक्टर संजय, हम रेल केंद्र सरकार की होती है और मैं केंद्र को अपना ज्ञापन दे रहा था, तो गोली इनकी पुलिस ने मारी और मेरा अखिलेश निषाद मारा गया, आंखों के सामने दिन में मारा गया, इनकी पुलिस ने मारा, तो क्या निषाद को अखिलेश निषाद के लिए इनकी आवाज आई, उल्टे निषाद के नाम पर जितने जाते थे उनकी पिटाई होती थी उस समय, महीनों दिन खाना नहीं होगा, पूरा जिला तबाह था। तो ऐसे तो उनको तो बस वही कहते ना कि एक जाति, इसीलिए तो सामाजिक न्याय समिति कहती है कि नौकरी पर मिल्कमैन का 90% कब्जा है,
आज के दिन में 23% आरक्षण पर लेदरमैन का कब्जा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक सोच है कि जो निचले पावदान पर है, जो गरीब है या कमजोर है, शोषित वंचित है, उसे विकास की धारा में लाया जाए। प्रधानमंत्री और इसके उद्देश्य 2014 में मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, उत्तर प्रदेश विभाग और मत्स्य मंत्री हमें बनाया गया। इसमें पहले एक सोच थी कि मछली पालन में बड़े पोखरे चाहिए, पानी चाहिए, खेत चाहिए, तब हम मछली पालन कर सकते हैं। उस सोच को चेंज करने के लिए, हाई टेक करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि इसमें असीम संभावनाएं रोजगार के हैं, विकास के हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने 33 परियोजनाएं इस फिशरीज क्षेत्र में दी है उत्तर प्रदेश के लिए, कि हम कम समय में मछली पालन कर सकते हैं। हर क्षेत्रों के सेक्टर का जो ग्रोथ है, जो उनका विकास का ग्रोथ है, वो 5 से 10% का है उनका, लेकिन हमारे फिशरीज में जो इनकम ग्रोथ है वो 20 से 25% है। लेकिन उसका तरीका उनका है कि हम पोखरे रहेंगे तब होगा। अब वो 18 फुट का एक टिन लेकर और गोल करके कस ले और उसके अंदर तारपलिन डाल दे और एक एरेटर डाल दे तो भी मछली पालन हो सकता है, कम जगह में भी हो सकता है। हमारे RS है, उसे 50 लाख का प्रोजेक्ट है, हम पहले उस पर 60% सब्सिडी देते थे, अब 40%। 25 लाख का RS है कि टैंक बना ले, हमारे पास बैकयार्ड है कि पानी एक ही बार, हमारे पास वो बर्ड फ्लॉक है, नई टेक्नोलॉजी आई है कि मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता था वो अमोनिया बनता था, मछली कम बढ़ती थी, क्योंकि हर आदमी स्वस्थ जीव स्वस्थ पानी देखता है, तो बैक्टीरिया डाल देने से वो पानी जो है साफ हो जाता है। क्या उद्देश्य था, क्या कुछ शिकायत है? आज के दिन में, आज दिन में आए कि जो हमारी परियोजनाएं हैं वो 2021-22 की 2022-23 की, तो पता चला कि नहीं, 2 साल की पिछली परियोजनाएं हम लोगों ने उसे पूरा कर लिया, संचालित कर दिया है। आज मैंने जांच कर दे दिया कि कोई परियोजना अगर नहीं चल रही है, अब अनुदान लेके वो नहीं काम कर रहा, उसके खिलाफ 12% की वसूली जा रही है। नहीं, निश्चित हमारे लोगों ने कुछ बताया कि बायो फ्लॉक ले लिया और उस पर अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें काम नहीं जो कर रहे हैं उनको खत्म करेंगे, उसको दूसरे को दे देंगे, या जो परियोजना ले चुके हैं या फिर भी नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ 12% का वसूली जारी हो जाएगा, अपने आप काम करने लगे। दूसरा, यहाँ वर्ल्ड सेंचुरी है, जो नदियां हैं हमारे यहाँ उसमें समितियां कछुए के साथ साथ मछली पर भी रोक लगा दिया है, तो उसे हटाएंगे कि मछली मारने का प्रतिबंध हट जाए वर्ल्ड सेंचुरी से, कछुआ न मारेगा। थाई मागुर यहाँ एक प्रतिबंधित मछली है जो शरीर को कैंसर पैदा कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बैन कर रखा है, लेकिन मेरठ के 2 एरिए हैं, तो पता चला हमने SP महोदय को बता दिया कि उसको बंद करा दीजिए जाकर, और देखिए कहाँ कहाँ है, और जितने विक्रेता उन्हें बता दिया जाए कि मछली न बेचें, और उसे अगर बेचते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरे हमने विकसित तालाब, अविकसित तालाब, अर्धविकसित तालाब, तीनों की सूचना मांगी है। आज हो गया, विकसित तालाब का पट्टे दे दिया जाए, अर्धविकसित है उसे हम मनरेगा से और बजट देकर उसको सुंदरीकरण करा दें। माननीय मुख्यमंत्री का एक सोच है कि जो तालाब है वो तालाब के जो पैसे आए वो ग्राम सभा में जाए, उसके लिए एक परियोजना बन रही है। दूसरा, जो अविकसित है तालाब, किस कारण से अविकसित है, भाई किसी ने कब्जा कर रखा है या किसी पट गया है, जो और है जलकुंभी है, उसको भी सही करके 1000 के आसपास तालाब है। अच्छा, एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है मठ और माफिया वाला, उसके क्या करेंगे? देखिए, जो मठ माफिया के बारे में बयान दिया है, जो व्यक्ति जो एक पिछड़ों के नेता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, शोभा नहीं देता कि जो माफियाओं के कब्र पर जाके फातियां पढ़ते हों, वो मठ और मंदिर को अपमानित करने, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, और ये भारतीय संस्कृति को अनुपालन करने वालों की संख्या बहुत लंबी है, आपने देखा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।